हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स है तो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स हैं तो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। तो वाईफाई को हमने से ओपन कर लिया है, जो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स हैं उसको सेट कैसे करेंगे। तो शायद हमारा गलत ऑप्शन ओपन हो गया, हम दोबारा सर्च कर लेते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग शो हो रही है तो यहाँ से इसको आप सेट कर पाएंगे। देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट ऑप्शंस को इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही हॉटस्पॉट का आप यूज़ कर पाएंगे, और ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। इस तरीके से मुकेश हॉटस्पॉट नेम को चेक करना चाहें कर सकते हैं, चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट टाइप नेम डाल के। इस तरीके से आप हॉटस्पॉट सिक्योरिटी को हटाना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ हो जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी शो नहीं करेगी। और यहाँ से VPA को भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आता है वन टाइम मोबाइल डाटा यूसेज लिमिट, तो मोबाइल डाटा यूसेज लिमिट को आप यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे 50 MB 100 MB हो गया, इसको आप यहां से सेट करके यूज़ कर पाएंगे। फिर आता है ऑप्शन मैक्सिमम कनेक्शन ऑफ लिमिट, तो कनेक्शन ऑफ लिमिट को भी आप सेट कर सकते हैं। कनेक्शन को 1 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। और टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली को ऑन ऑफ करते हैं तो इसका यूज़ कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। और साथ में हैप्पी बैंड सेटिंग्स को भी आप यहाँ से सेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।